नमस्कार कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राहुल गांधी ने अमेरिका से एक बार फिर से कुछ ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है है तो दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है इसमें नॉन सेकुलर कुछ भी नहीं है तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं party bjp however congress in kerala has been in alliance with the muslim party muslim league in kerala the state of the state from which you are you were for mp for more than, i'm sorry the state you are the mp for more than 70 years muslim, know, the, the, muslim league is a completely secular party right, right. there's nothing uh, there's nothing non secular about the muslim okay. league तो सुना आपने राहुल गांधी का साफ कहना है कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान वाशिंगटन डीसी में में एक कार्यक्रम पत्रकार से बातचीत के दौरान दिया है जिसको लेकर देश में जमकर राजनीति हो रही है बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की यह मजबूरी है और अपनी मजबूरी की वजह से राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वही राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की भी सलाह दी जा रही है इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार ऐसी क्या मजबूरी पूरी है राहुल गांधी की कि इस तरह के बयान दे रहे हैं देखिए राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने भगा दिया वो चले गए वायनाड वायनाड में अगर आप उनकी रैलियों को आप देखें तो वहां मुस्लिम से मुस्लिम नजर आएंगे और मुस्लिम लीग वहां पे और पीएफआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वायनाड में जो डेमोग्राफी है उसमें भी ये मुस्लिम्स वहां पे मेजोरिटी में है तो एक तो अपनी सीट बचाने की मजबूरी कि अगर वायनाड सभी अगर हार गए मुसलमान अगर नाराज हो गए तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो उसके लिए क्या करें फिर तो उसके लिए इन्होंने अचानक से कांग्रेस पार्टी में प्रिंटिंग मशीन जो है सर्टिफिकेट वाली जो प्रिंटिंग मशीन जो है इन्होंने छाप दी और एक ऐसी पार्टी जिसका पूरा जन्म ही कम्युनलिज्म के ऊपर है इस्लामिज्म के ऊपर है जिहाद के ऊपर है कट्टरपंथ के ऊपर है उसको आप अमेरिका में बड़े वो क्वेश्चन वो पूरा हुआ भी नहीं हड़बड़ाहट में ये कहते नहीं, नहीं 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 ये पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है देर इज नथिंग नॉन सेकुलर अबाउट इट अभी 2003 में 2002 में मराठ मैसेकर हुआ केरल के अंदर में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जितने चट्टे बट्टे हैं वो बताएंगे कि उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जुडिशल कमिटी बैठी थी उसमें किस पार्टी का नाम आया था कि इस मैसेकर के लिए जनसंहार के लिए वो पार्टी जिम्मेदार है ये पवन खेड़ा थोड़ा ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं ये राहुल गांधी ये देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं इस मराठ मैसेकर में दो बार 2002 में 2003 में हिंदुओं का कत्ल किया गया काटा गया और जो जुडिशियल कमिटी बैठी उसने क्या कहा कि कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो उसमें यही जिनको ये सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो भाई आप अजीब कहानी है सेकुलरिज्म की क्या निशानी है सेकुलरिज्म तो दो सेकंड में किसी व्यक्ति का टेस्ट किया जा सकता है हिंदुस्तान में संविधान होगा या उनके धर्म के मुताबिक कानून होना चाहिए सवाल पूछ लो मालूम चल जाएगा व्यक्ति सेकुलर है या नहीं है आपसे पूछा जाएगा भाई आप सेकुलर है या नहीं है आपसे पूछे भाई संविधान बड़ा या मनुस्मृति बड़ा आप कहेंगे कि भाई संविधान ऊपर है तो आप सेकुलर व्यक्ति हैं भाई इस मुस्लिम लीग के किसी भी लीडर से जाकर के पूछो कि क्या ये ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वो वहां पे हो हैं या नहीं है उसको समर्थन करते हैं कि नहीं है अभी हैग सोफिया के ऊपर एक आर्टिकल मुस्लिम लीग के चेयरमैन ने लिखा क्या लिखा कि इस्लामिक कानून ही जरूरी है उसी से कल्याण होगा वैसा ही चाहिए पॉलिटिकल इस्लाम को आप सपोर्ट करते हैं और राहुल गांधी जैसे शख्स जिनके आंखों पे देश के खिलाफ हिंदुस्तान के खिलाफ किसी ने पट्टी पहना दी है आप कह रहे हो कि भाई वो सेक्युलर है नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट इट नॉन सेकुलर अबाउट इट अरे भाई एक चीज बता दो बाबरी मस्जिद के बाद ये पार्टी क्यों टूटी ये पार्टी अलग अलग धड़ा में ये 1976 से कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में है उससे पहले यह वामपंथियों के साथ थे क्यों वामपंथियों के साथ थे क्योंकि मुस्लिम लीग आजादी से पहले जो जिन्ना वाली थी उसका सबसे बड़ा समर्थक कोई था तो वो कम्युनिस्ट थे ये देश तोड़ने वाले लोग ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा वो किसने किया अभी वो चले गए दुनिया छोड़ के ये हरकिशन सिंह सुरजीत और कम्युनिस्ट लीडर्स ये इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि वामपंथियों ने ही मुस्लिम लीग को सपोर्ट करके कि भाई अलग 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 जितने टुकड़े कर दो देश के ताकि चीन के लिए आसान हो जाए हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना ये कहते हैं ना भाई कश्मीर मांगे आजादी केरल मांगे आजादी तो ये मुस्लिम लीग वामपंथियों के साथ आजादी के बाद लेकिन सेवेंटी सिक्स आते आते इनको समझ में आ गया कि ये बेवकूफ़ लोग हैं ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें उसके बाद से इन लोगों का रिश्ता टूट गया तो ये अचानक से कह रहे हैं कि भाई सेकुलर है मुस्लिम लीग राहुल गांधी और पवन खेड़ा आकर के बता रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं कि ये वो वाली मुस्लिम लीग नहीं है तो भाई कौन वाली है ये बता दो कब बनी ये मुस्लिम लीग कहाँ बनी ये मुस्लिम लीग उसके बनाने वाले कौन भाई ये बताना पड़ेगा ना भाई मुस्लिम लीग ने तो देश को तोड़ दिया ये कहा कि भाई हिंदुस्तान एक बननी चाहिए देश के तीन टुकड़े करवाए नेहरू ने कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था ये कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं एक ने कहा जिन्ना ने कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है नेहरू ने कहा हमें भी प्रधानमंत्री बनना है देश को तोड़ना है तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो ये तो चले गए मुस्लिम लीग वाले तो देश तोड़ के चले गए लेकिन इसमें मुस्लिम लीग वाले कुछ यहां भी रह गए मुस्लिम लीग वाले आप ये समझिए इस देश के साथ जो जुर्म हुआ है जो पाप हुए हैं कि जो पार्टी मांग कर रही थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश मिल जाए पाकिस्तान आप लेकर के चले गए लेकिन अपने दलालों को यही छोड़ दिया ये मुस्लिम लीग वही है ये मुस्लिम जो बचा खुचा यहां पे जो था ट्रेबंकोर लीग और मालाबार लीग ये मद्रास के अंदर में अब चेन्नई नाम हो गया मद्रास ये सारे लोग जो है उन्होंने मिलके इंडियन मुस्लिम लीग कर दिया पहले कौन थे ये लोग आजादी से पहले ये जिन्ना वाली पार्टी के ही थे लोग ये ठीक वैसा ही कि जैसे सीवी को आपने बैन कर दिया तो सिमी वाले कहां चले गए ये पीएफआई बना लिया तो ये पीएफआई और सिमी अलग अलग हो गए ये ज्ञान दे रहे हो ये पवन खेड़ा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो मुस्लिम लीग जिन्ना वाली लीग में थे उन लोगों ने क्या किया उन लोगों ने नया संगठन बना दिया नया नाम दे दिया काम वही शुरू कर दिया और अब आप कह रहे हो कि भाई वो तो सेकुलर है सेकुलर है तो आप ये कहो कि हिंदुस्तान में वो संविधान में जो लिखा हुआ है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए उसके समर्थक हैं देश, देश को बांटने वाले सेकुलर है देश को बांटने वाले सेकुल ये मजबूरी है ये तो कहते ना कि ना घर के रहे हैं ना घाट के रहें बीजेपी कह रही है कि वायनाड से समर्थन जुटाना है तभी मजबूरी में ये बयान दिया जा रहा है भाई मुस्लिम वोट अगर नहीं मिलेगा इस राहुल गांधी को वायनाड में जमानत जब्त हो जाएगी इसकी मुस्लिम वोट अगर नहीं मिले तो जमाना जब्त हो जाएगी आपकी ये सेकुलरिज्म का जो ये जो ढोल पीट रहा है राहुल गांधी इससे पूछा जाना चाहिए ये केरल में यही कांग्रेस पार्टी ये जब हत्या के ऊपर जब विवाद चल रहा था तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग बीफ पार्टी कर रहे थे वायनाड में क्यों कर रहे थे आप बीफ पार्टी करेंगे और ये कहेंगे कि भाई हम सेकुलर है किस चीज के लिए तो मुसलमानों को खुश करने के लिए वायनाड में पी, है। पी के साथ आप जो है उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई उसके साथ आप कर्नाटक में टैसिट अंडरस्टैंडिंग में थे आप उसके अलायंस पार्टनर रहे आपने मिलकर चुनाव लड़ा तो पीएफआई एफ आई भी सेक्युलर मुस्लिम लीग भी सेकुलर ये जो है बदरुद्दीन के साथ मिलते हैं असम के अंदर में वो भी सेकुलर अभी बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ वाला जो मौलवी मौलाना है उसके साथ मिलकर के आपने चुनाव लड़ी वो भी सेकुलर ये कौन से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट किस कंपनी से तुम सर्टिफिकेट छपवा रहे हो भाई ये तमाशा बिल्कुल बंद होना चाहिए राहुल गांधी अनर्गल अलाप कर रहे हैं विदेश की धरती पर ये पाकिस्तान वाले भी सुन रहे होंगे तो हाथ रहे होंगे बड़ा अच्छा नमूना हमने जो है वहाँ पैदा करके रखा हुआ है ये हमारा आधा काम वही पूरा करता रहता है बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए तो राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और आए दिन राहुल गांधी की तरफ से कुछ ना कुछ बयान सामने आता है कभी 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 पीएम मोदी पर पर हमला बोलते पर हमला बोलते बोलते हैं हैं देश की जांच एजेंसियों नए संसद तो कभी सेंगोल, तो सेंगोल तमाम तरह के अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं इसी बीच आज एक बड़ा बयान राहुल गांधी का सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर है इसमें नॉन सेकुलर कुछ भी नहीं है इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी